गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा जैसलमेर में दूसरा दिन है और जैसा कि कल हम काफ़ी घूमे थे तो थक गए हैं। अभी डीजे वाले तो सो ही रहे हैं, इनकी नींद खुली नहीं है। चलो इनको उठाते हैं। डीजे भाई, डीजे भाई उठ जाओ भाई, सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह उठो। कितने बजे? आई एम डूइंग रिकॉर्डिंग। अच्छा, लॉगिंग चालू कर दी भाई। और क्या, आप सो रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ। चौकर तैयार हो रहा है, इसका चेक तो आएगा लगता है जल्दी। कट कर यार, मुझे वॉशरूम जाना है। अरे नहीं यार, नहीं नहीं अभी अब तो लेना पड़ेगा आपका यार। नहीं नहीं वॉशरूम नहीं जाना अभी। अरे वॉशरूम नहीं जाऊँ मैं दादागिरी यार। नहीं 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 गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम जैसलमेर, दिस इज अवर डे टू। और जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह उठने के बाद सारे कार्यक्रम मैंने निपटा दिए है और अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल है। एक्चुअली आज का हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन मैंने आपको बताया था, कैमल सफारी वगैरह जो होती है आपका डिजर्ट में, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो जो महेश भैया थे हमारे ऑटो वाले, वो आने वाले हैं हमें लेने के लिए 3 बजे। 3 बजे तक क्या करेंगे, टाइम पास करेंगे, उठे ही आराम से। कल रात को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा थक गए थे और इतनी गच्च नींद आई, बहुत सॉलिड नींद आई। और अभी चलते हैं थोड़ा सा स्विमिंग पूल में मस्ती करते हैं और बढ़ते हैं आगे। वाव वाव वाव, क्या पूल है, लिटरली ऐसा लग रहा है कि राजा महाराजा हो क्या। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सविन भाई आप सर्वप्रथम आगे बढ़िए और हमें बताइए कि पानी कितना ठंडा है। अभी सविन भाई एक डेमो देंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा। अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है और मैं नहीं चाहता मेरा गला खराब हो और मेरा आगे का ब्लॉक खराब हो। तो सविन भाई आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ। सविन बैठ गया चुपचाप से, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। चलो यार, पैर तो डाल ही दिए तुमने, ठंडा है क्या ज्यादा? हाँ ठीक है ना, नॉर्मल है ना। हिम्मत नहीं हो रही यार अंदर जाने की। सविन भाई एक काम करो ना, आप यहाँ से छलांग लगाओ, मैं आपका वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? मेरे से नहीं हो पा रहा। क्यों? वो ठंडा पानी है, ठंडा इतना नहीं है। काम करो, मैं वीडियो बनाता हूँ, आप छलांग लगाओ। अच्छा, वो पूल का पूरा पानी बाहर जाएगा, उसका क्या? जैसे जैसे पानी टच हो रहा है तो बहुत बस। ये तो उतर गया नीचे, अब मुझे भी उतरना पड़ेगा। सविन भाई चला गया भाई, अब मेरे को भी जाना पड़ेगा। पानी तो ठंडा है बॉस, है। कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ओके, हाँ तो भाई यो फाइनली हिम्मत जुटा ली आपके भाई ने और उतर गया हूँ मैं, लेकिन अब डुबकी लगाने का बहुत बड़ा चैलेंज है। चलो तो चैलेंज एक्सेप्टेड। Be here for the night, don't have to think twice. I'll be oh so nice, I have to think twice. I'll be here for the night, don't have to think twice. I'll be oh so nice, I have to think twice. I'll be here for the night. Travel far, moving with the seasons. Go to Panama, then I'm to Ibiza. Didn't take that long, had no time for weeping. Fingernails like claws on my clothes, you're keeping. You'll steal your bag, think you had a reason. Can't remember shit, but I got a feeling. Play you all my songs, and I'm blown out. Speaking to be working. हाँ तो भाई अभी बज रही है दोपहर की 2:15 और अब दोनों हो गए हैं तैयार। अभी एक्चुअली हमारा आगे का प्रोग्राम कुछ इस तरह से कि 3:30 बजे शायद मैंने बताया था ना, महेश भैया आएंगे हमें लेने, फिर हम जाएंगे डिज़र्ट सफारी के लिए। लेकिन तब तक सोचा कुछ चुटुर पुटुर खा लिया जाए।
थोड़ा सा लाइट लाइट कुछ खा लेंगे अभी हम बाहर जाके, यहाँ पे कुछ लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, देखते क्या मिलता है खाने के लिए। राजस्थान में गर्मी तो है यार, है ना, गर्मी लग रही है यहाँ पर इतना नहाने के बाद भी, बट इतनी ज़्यादा नहीं है, सह सकते हो आप, बट फिर भी तैयार रहिएगा अगर आप यहाँ पे आते हो गर्मी के लिए। भाई लोग यहाँ के घर भी यार किसी किले से कम नहीं है यार, ये आप देखो मेरे सामने, फूड हंटिंग इन जैसलमेर, ढूंढना पड़ेगा। ये हवेली सैफरन रेस्टोरेंट है सामने, ये देखते हैं, हमें कुछ लोकल ट्राई करना है। रेस्टोरेंट में वही अपना पनीर वनीर मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, बट हम चाहते हैं कि कुछ जैसलमेर का लोकल फूड ट्राई किया जाए ना भाई। गाइस अभी हमें मिली है प्याज की कचौड़ी, यहाँ पे एक लोकल स्टोर में आया है। अभी सविन सर इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसी है। सही है, सविन सर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो हम भी खा लें। हमारे होटल के थोड़ा सा पास में ना एक छोटा सा मार्केट है, हमारी थाली आ गई है, इसे टेस्ट करके देखते हैं जमीन सर, है ना। तो बताओ आलू की सब्जी एकदम जबरदस्त है, रियल घी की रोटी आया, ये सब्जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अजी का टमाटर है, हाँ टमाटर है, कच्चे कच्चे टमाटर, ये तो कड़ी है, ये दाल। A few moments later. So guys, जबरदस्त शुद्ध ब्राह्मण का खाना खा के इतना मतलब वाकई में एकदम घर जैसा लगा। मतलब एक्चुअली दो दिन से हम लोग पनीर टिक्का मसाला चिली पनीर वगैरह खा करके बोर हो गए, तो एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर समथिंग लोकल एंड समथिंग वेरी सिंपल, एंड वही मिला जो हम ढूंढ रहे थे। और अभी भोजन करने के बाद एक मसाला छाछ तो बनती है, यू सभी भाई। यस यार, बढ़िया खाना खाने के बाद नींद बहुत आती है यार, वो भी अगर आपके होटल में एसी हो तो फिर लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अभी महेश भैया आ गए कार लेके, आज का जो मेन हमारा उद्देश्य है वो पूरा होने जा रहा है कि नहीं सर। कहाँ जा रहे हैं हम बताइए हमारे दर्शकों। कैमल सफारी लेकिन आप कैमल जैसा मुंह क्यों बना रहे हो? हाँ तो दोस्तों अभी हम निकल पड़े हैं, एक विनायक रिजॉर्ट नाम का है वहाँ पे, डिजर्ट सफारी के वहाँ पे सारा कार्यक्रम अरेंज किया गया है हमारे लिए। और अनफॉर्चुनेटली महेश भैया जो कल थे ऑटो वाले, एक्चुअली वही हमें लेने आने वाले थे लेकिन वो आ नहीं पाए कुछ कारणों की वजह से, और आज हमें ले जा रहे हैं महिपाल जी, महिपाल सिंह जी नाम है इनका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महिपाल जी ने अभी मुझे एक और खबर दी है, मतलब ये बता रहे थे कि एक्चुअली स्पेशल कैमल राइड भी होती है जो जनरली इंडियंस नहीं जाते, है ना जी सर। और उसमें क्या स्पेशल होता है? उसमें स्पेशल ये होता है जैसे फॉरनर लोग जाते हैं पूरे, तो यहाँ से अपना पैकेज ले ले होटल से, कोई 3 डेज का लेता है, कोई 5 डेज का, कोई 7 डेज का। तो फर्स्ट में जब वो यहाँ से होटल से निकलते हैं उनको बाई जीप छोड़ के आते हैं 10 किलोमीटर सिटी से बाहर, उनके लिए 2 कैमल वहाँ वेट करते होते हैं, उनके लिए 2 कैमल वेट करते हैं, उनके कैमल के ऊपर पूरा सामान साथ में रहता है, खाने पीने का सब सामान। और एक कैमल जो कैमल ड्राइवर होते हैं उनके लिए रहता है, और 1-2 कैमल जो भी बैठने वाले होते हैं जो कस्टमर होते हैं उनके लिए रहता है। फिर वो कैमल पे बिठा के उनको पर डे उनका डिस्टेंस रहता है 10 किलोमीटर, जैसे गाँव के पास में कोई बहुत बड़ा ड्यून्स होता है एकदम क्लीन ड्यून्स, वहीं पर उनका स्टे हो जाता है, शाम को वहाँ सनसेट होता है, 2 लोग उनके लिए डिनर तैयार करते हैं,
डिनर तैयार होने के बाद स्पेशल उनके पास सब बाजोट वाजोट सब लेते हैं, वाइट बेड सीट चेयर वेयर सब लेते हैं। जैसा फाइव स्टार होटल में फैसिलिटी रहता है वो पूरा फैसिलिटी वहाँ ड्यून्स के ऊपर मिलता है। कैंडल डिनर होता है सर, वो करने के बाद उनके लिए जैसे चेयर वो बोलते हैं ना पलंग, अपने यहाँ पलंग बोलते हैं, वहाँ पे खाट, हमारे यहाँ खाट बोलते हैं, खाट पे बिस्तर लगा देते हैं। अच्छा, गद्दे वद्दे बिस्तर खाट पे लगाया, हर 10 किलोमीटर में उनका पॉइंट बना हुआ था, एक झोपड़ा बना हुआ था, पूरा सामान उनके लिए। अच्छा, वहाँ नाइट स्टे करके वो सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, उनके लिए नहाने के लिए बाल्टी में पानी आता है, एक छोटा सा टेंट खड़ा करके वो नहाते हैं, टॉयलेट भी उसी में रहता है, वो करके फिर वहाँ से फिर दूसरे दिन का शुरू हो जाता है प्रोग्राम। दूसरे दिन पे फिर वही सेम लेता है, जैसे कैमल पे गए 10 किलोमीटर चला दिन में, शाम को वही आया, वो दिन पूरा हो। जैसे छोटे मोटे गांव होते हैं, बच्चे होते हैं, लेडीज होती है, गाँव में जाते हैं, फोटो खींचते हैं, बच्चों को पेन देते हैं, कोई पैसे देते हैं, कोई बुक देते हैं, तो सब साथ में लेके जाता है, ऐसा करके ये उनका प्रोग्राम रहता है। जितने दिन में एंड में वापस जब एंड होता है तो गाड़ी आपको उनको वहाँ लेने जाती है, वहाँ से पिकअप करके वापस होटल लेते हैं। 1 hour later हाँ तो दोस्तों आ गए फाइनली, महिपाल जी हमें ले आए और अभी हमारी सवारी होने वाली है इस ऊंट पर। सनसेट पॉइंट यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर हमारी जो राइड है वो इस प्राणी पे होने वाली है, कैमल पे। ओ लाल तेरी शर्ट, टी शर्ट लाल आलम लाल है, टी शर्ट तेरी सिंदड़ी दा तेवर दास भी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, चार चराग तेरे भरण हमेशा, चार चराग तेरे भरण हमेशा, आगे का नहीं आता मुझे सॉरी मेरे यारो। तो गाइस फाइनली रेत के टीलों तक आ गए हम और हम जा रहे हैं उस टीले पे जहां से सनसेट पॉइंट बहुत ही सुंदर दिखता है। डैन ड्यून्स, इस रेत का मैं इंतजार कर रहा था।
हमारी हमारी